आपको दिखाना है कि एक खानदान का बड़ा है यानी दादा या नाना, दूसरे जो उनके बेटे और तीसरे उनके बेटे आ गए। कलेक्टिवली क्यूमुलेटिवली ये तकरीबन 150 साल की मुशक्क़त है जो सारों ने की, पूरी इनकी जनरेशन्स ने, और अब तीसरी जनरेशन जो है वो भी मुशक्क़त कर रही। लेकिन जब मैं इस बच्चे से पूछ रहा था तो इसको ये याद नहीं था कि इसने आखिरी बारी गोश्त कब खाया, यानी जो हम अपनी प्लेटों में छोड़ देते हैं, हम ज़ाया कर देते हैं, हमें परवाह नहीं होती, हमें टेस्ट नहीं अच्छा लगता, वो कुछ ज़्यादा जला होता है, कुछ ज़्यादा बना होता है, कोई कम पक्का होता है, तो उसको ये भी नहीं पता कि वो खाया कैसे जाता है और कब खाया, उसको ये याद नहीं। इसका मतलब है उसने नहीं खाया। तीन जनरेशन्स की प्लाइट जो है ये आपके सामने। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे पास जितनी ये डेटा पड़ा हुआ है ना, ये बेकार है, क्योंकि कोई डेटा ये नहीं बताता कि इनके घर का क्या हाल है। ये सवाल जवाब आप करें, आज हम भी सुन लें, मैं भी आपका गेस्ट हूँ। बाबा जी जो हैं ये 65 साल के हैं, लगते हैं आपको 80 साल के हैं, क्योंकि मैं लोगों और जिंदगी दे, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो जिनको नहीं पता कि गाँव में लोग जो मोर्टेलिटी रेट की हम बात करते हैं वो इसीलिए है क्योंकि गांव में जो लोग होते हैं देहातों में वो इतना ज़्यादा काम करते हैं, प्रोटीन मैस जो होता है ना उनका बॉडी का, प्रोटीन तो मिलती नहीं है उनको, गोश्त अंडा दूध दही जो लोग खुद उगाते हैं ना गंदम, वो उनको रोटी के लाले पड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो जूता बनाता है उसको जूता नहीं पहनने का। क्यों जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आप बताएंगे आपका गुजारा कैसे होता है? जनाब बहुत औखा गुजारा है, ज़मीन 5 किले ठेके से ला के गड्ढी है, पिछले साल कपाह नहीं हुई, गवर्नमेंट कपाह नू भा नहीं लैंदी, 2300 ते 2100 ते 2200 नाल कपाह वेची है, मालकां दा ठेका पूरा करके दिता है, ते पिछू वो जिहड़ा खर्चा कीता ही वो साढ़े पेटे पै गए, सिर ते कर्जा है, वो सिर ते कर्जा है, फिर उदा सिर ते कर्जा है। तुहाडे कोल है की देन नू? कुछ भी नहीं। उस तो बाद फिर असां खादा स्प्रेवां उधर उधार के वारी अपने बच्चियां वास्ते कपड़े कद बनाए सर? असां जी छिमाही दे विच एक एक जोड़ा लैने आ, 6 महीने में एक एक जोड़ा लैने, एक एक जोड़ा लैने आ, उन्हें 6 महीने हटा लैने आ, मोड़ा गुना मां 6 महीने ला लैने आ। ये आपका किसान है? अगर कोई शादी वादी आ जाती है नवाज साहब नसरुल्ला साहब, फिर क्या होता है? फिर उधार लेते हैं, कर्जा लेकर गुजारा करते हैं सर। जैसे कर्जा लेते हैं उसे फसल का कहते हैं कि फसल पर देंगे। ये चप्पल जो आपने जी जो मैंने चप्पल पहनी है, मेरे पास जूता नहीं था, जूता टूटा हुआ था, ये चौधरी इश्तियाक साहब ने मुझे लेकर दिया प्रोग्राम में आने के लिए। प्रोग्राम में आने के लिए मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी कि अच्छी जूता लूँ, लेकिन ये तो ये अच्छा जूता आपने कितने का लिया? ये अच्छा नहीं है सर, स्लीपर है। कितने का मिला? मेरे लिए तो ये भी अच्छा है, 140 रुपये का लिया। आप खेतों में काम करते हैं? हाँ। क्या काम करते हैं? ये खेती बाड़ी कर लेता हूँ। बिजाई वगैरह करते हैं या कटाई करते हैं, क्या करते हैं? कटाई कर लेता हूँ। कटाई करते हैं? हाँ। जवाद साहब अगर ये आज डिसाइड कर लें, क्योंकि इनको तो हमारी जमहूरियत या किसी हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, पानी नहीं है पीने का, अगर आज ये डिसाइड कर लें कि आपको और मुझे इन्होंने नहीं रहने देना और अपने बाले लेके हमें पड़ जाना, तो हम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि इस मुल्क की स्टेट ही कुछ नहीं कर सकती, इतना बंदा वो कहा से संभालेंगे? इनकलाब फ्रांस में क्या हुआ था, मतलब नहीं, और कितनी जनरेशंस तो ऐसी हैं जिन्होंने गोश्त नहीं खाया एक वक्त भी, तो और कितना जुल्म करना इनके ऊपर।